हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त नीता और आज मैं बताने वाली हूं आपको कि आप अपनी ग्लोइंग और ब्यूटीफुल स्किन कैसे पाए, क्या करें। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स भी आपसे आज शेयर करने वाली हूं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा जिससे मेरे सभी नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो जब स्किन केयर की बात आती है या स्किन के बारे में जब भी कोई बात आती है तो हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो ये इंटरनल की पहले बात करूं तो इंटरनल में आता है आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, डेली की रूटीन क्या है। और एक्सटर्नल की बात करूं तो आप इसमें आता है कि आप क्या एप्लीकेशन करते हैं, यानी अपने स्किन पे क्या लगाते हैं, क्या आप जो एप्लीकेशन कर रहे हैं वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि स्किन भी बहुत तरह के होते हैं, नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है। वैसे भी ऑयली स्किन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पिंपल, कोई भी एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल की। इंटरनल में वही मैंने बोला, हमारे खाने पीने, हमारे डेली की रूटीन पे सारा डिपेंड करता है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे स्किन के लिए। इसके लिए आपको रोज़ाना 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब पानी आप पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है, बॉडी हाइड्रेट होगी तो स्किन भी हाइड्रेट होगा और स्किन का मॉइस्चर लेवल मेंटेन रखेगा। इसके बाद आपको रोजाना के खाने में ज्यादा से ज्यादा सैलेड, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ऐड करना चाहिए। फ्रूट्स जब भी खाएं उसको रॉ ही लें, जूस अवॉइड करें, क्योंकि जब आप एक फल डायरेक्टली खाते हैं तो आपको उसमें मिलता है फाइबर, उसके साथ साथ बहुत सारे विटामिन्स और भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जैसे वो जूस के फॉर्म में आता है उसमें शुगर का कंटेंट बढ़ जाता है जो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ऑयली फूड, शुगरी फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप ऑयली फूड और शुगर लेते हैं तो आपकी स्किन पे सडनली अगले दिन ही पिंपल्स या एक्ने आ जाते हैं, तो इसका ध्यान बहुत रखना जरूरी होता है। इसके साथ ही दूसरा आता है इंटरनल में कि आप डेली की रूटीन क्या है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्लीप वे साइकिल। तो आप कब सोते हैं, कब जगते हैं, इसका भी असर स्किन पे बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि आजकल बहुत सारा वर्कलोड है, बहुत सारा उसकी वजह से स्ट्रेस है लोगों को, जिसकी वजह से अच्छी नींद नहीं आती है। तो अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए और रिलैक्सेशन भी करना चाहिए। अब रिलैक्सेशन की बात करूँ तो रिलैक्सेशन के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो मैं बता रही हूँ उसको आप फॉलो करेंगे तो रियल में बहुत फर्क पड़ता है। तो जब भी आप रात में सोने जाएं, सोने के 20-30 मिनट्स पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से दूर रखें अपने आप को, और जब बेड पे जाएं तो आप उस समय आप लेटे लेटे कुछ अच्छी बातें सोचिए, जैसे पॉजिटिव बातें हो गई, जो भी आपने आपने पहले किया दिन में किया पूरे दिन, उसमें अच्छी अच्छी बातें आप सोचिए, अपने आप को खुश रखें, और या फिर अपने लाइफ के लिए कुछ अगले दिन के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ अच्छा अपनी सक्सेस के लिए कुछ अच्छी बातें ऐड कर सकते हैं। आप अच्छी चीज़ें कहीं किसी से सीखा, अपने आप अपने आप में ये सोच सकते हैं, अपने आप से बात कीजिए कि मैं ये करूँगा या करूँगी। तो अगर आप खुद से बातें करते हैं और फिर जब आप अपने माइंड को बॉडी से रिलेट करते हैं तो आपको बहुत जल्दी और अच्छी नींद आ जाती है, और इससे आपकी स्किन, जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग होती है, आप माइंड और बॉडी के साथ साथ स्किन से भी बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। इसके बाद आता है एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी तो रिलैक्स होता है, माइंड रिलैक्स होता ही है, इसके साथ ही आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस पे भी जाता है, और फेस पे ब्लड सर्कुलेशन होने से आपकी स्किन में डे बाई डे स्किन आपका ग्लो करता है। तो ये भी बहुत जरूरी है। आप अपने हैबिट को, आपको बस थोड़ा सा हैबिट को चेंज करना है। आप टाइम कम कर सकते हैं, एक घंटा आधा घंटा करने की जरूरत नहीं है एक्सरसाइज। आप आपके डेली के रूटीन में जो भी टाइम मिलता है 10-15 मिनट्स वहीं आप करें, उससे ही आपके स्किन और स्किन पर बहुत ज्यादा असर होता है। ये सब तो हो गई इंटरनल बातें, अब बारी आती है एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल में हम अपने फेस पे क्या लगाते हैं, क्या एप्लीकेशन करते हैं, क्या हम आप जो एप्लीकेशन करते हैं वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है। तो इसके लिए मैं यहाँ एक टिप बताऊंगी कि अगर आपको अपनी स्किन की टाइप नहीं पता है तो आपको क्या करना चाहिए। आप रात में केवल आप फेस को वॉश करके सोएं, कुछ भी नहीं लगाएं, कुछ भी एप्लीकेशन नहीं करें, और सुबह जैसे ही आपकी नींद खुलती है आप मिरर के पास जाएं, अपने दोनों हाथ में फिंगर में टिश्यू लें, टिश्यू फोल्ड करके लें, और आप ये होता है टी जोन, एक टिश्यू से टी जोन पे लगाएं और एक टिश्यू से वी जोन, ये आपका वी जोन है जो चिक और चिन का है एरिया, तो इस पे लगाएं और फिर आप उसको देखें। अगर दोनों पे ऑयल के डॉट्स ज्यादा हैं, छोटे छोटे डॉट्स आ जाएंगे आप देखेंगे, तो जब ज्यादा है तो आपकी स्किन ऑयली है। अगर एक में ज्यादा है एक टिश्यू में और एक टिश्यू में कम है तो आपकी स्किन ऑयली एंड कॉम्बिनेशन है। अगर दोनों पे कम डॉट्स दिख रहे हैं ऑयल के तो आपकी स्किन नॉर्मल है, और एक पे कम डॉट्स है और एक पे बिल्कुल भी डॉट नहीं है ऑयल के तो आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई कॉम्बिनेशन है, और अगर दोनों पे बिल्कुल भी डॉट्स नहीं है ऑयल के तो आपकी स्किन ड्राई है। तो ये हो गया, आपको स्किन टाइप भी पता चल गया कि कैसे आप आइडेंटिफाई करके आपकी स्किन की टाइप कैसी है। अब बात आती है एप्लीकेशन की। चार पांच चीजें लेनी पड़ती है आपको, जिसमें आपको मॉर्निंग और इवनिंग केयर करने की जरूरत होती है। तो आप जब लेंगे तो आपको उसमें एक अच्छा क्लींजर या फेस वॉश लेना है आपकी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, टोनर, तीसरा हो गया आई क्रीम, चौथा हो गया सीरम जो विटामिन सी से इनरिच हो, क्योंकि सीरम जब विटामिन सी से इनरिच सीरम लगाते हैं तो आपकी स्किन पे जो भी पैची स्किन हो, कोई फ्रिकल्स हो या कोई भी डिस्कलरेशन हो, उससे वो हटा देता है, क्योंकि आपकी स्किन को विटामिन देता है। और पांचवा मॉइस्चराइजिंग आता है, मॉइस्चराइजिंग में है आपकी डे एंड नाइट। तो मॉर्निंग में जैसे भी जैसे आप सुबह रेडी होते हैं बाहर जाने के लिए, या फिर आप सुबह में आपको फेस वॉश करना होता है, तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप फेस वॉश लेकर पहले वॉश करें, उसके बाद कॉटन में लेके टोनर बहुत हल्के हाथों से अपवर्ड मूवमेंट में आप उसको अप्लाई करें फेस पे, पूरे फेस पे अप्लाई करें, आई एरिया को अवॉइड करें, बाकी पूरे फेस पे अप्लाई करें। उसके बाद आपको आई क्रीम लगाना चाहिए। आई क्रीम क्यों जरूरी है, बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, आई क्रीम नहीं यूज करते हैं आई क्रीम, क्योंकि ये आई एरिया जो हमारा है ये बहुत ही डेलिकेट होता है, और इस एरिया में ऑयल ग्लैंड नहीं होते। जब ऑयल ग्लैंड नहीं होते तो ये एरिया ड्राई ही रहता है। तो इसको जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, 20 प्लस में हम आते हैं, तो धीरे धीरे इस एरिया में रिंकल्स हल्के आते हैं जो हमें फील नहीं होते, सडनली जब थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं तो हमें फील होते हैं। लेकिन अगर आप आई क्रीम यूज करेंगे स्टार्टिंग से ही तो आपकी 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 स्किन पे एजिंग नहीं आएगी। तो आई एरिया में आपको आई क्रीम लगाना है। उसके बाद थर्ड आता है सीरम, तो आपको सीरम फेस पे अप्लाई करना है, और फिर आपको मॉइस्चराइजिंग करना है। तो डे क्रीम लगाना है, ये डे रूटीन में बता रही हूँ, डे क्रीम लगाना है, और उसके बाद आता है एसपीएफ, क्योंकि एसपीएफ हमें सन के यूवीवी और यूवीए रेज से बचाता है, तो वो लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सन बहुत ज्यादा है इंडिया में, इसलिए उसको लगाना बहुत जरूरी होता है। जहां भी सन ज्यादा है वहां लगाना जरूरी होता है। और अब बारी आती है, पूरे दिन आपने काम किया, पूरे दिन स्किन पे पॉल्यूशन, डर्ट, आपने किचन में काम किया तो भी डर्ट आपके फेस पे आया, तो वो सारी चीज हमारे फेस पे आती है। तो रात में बहुत जरूरी होता है आपको नाइट में रूटीन, स्किन केयर रूटीन करना।
और इसके साथ ही अगर आप कभी भी रात को आप मेकअप दिन में मेकअप आपने किया है तो रात को मेकअप लगाए बिल्कुल भी नहीं सोना है। अगर आपने ऐसा किया तो सुबह उठते ही सडनली आपके फेस पे प्रॉब्लम दिखेगा, अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम आपके फेस पे हो सकते हैं। तो आप रात को अपना मेकअप बिल्कुल भी साफ करके हटा दें, क्लीन कर ले फेस को अच्छे क्लींजर से रात को डेली करें। फिर वही रूटीन करना है, क्लींजर, टोनर, आई क्रीम, सीरम और मॉइस्चराइजिंग के लिए रात में आपको नाइट क्रीम यूज करना चाहिए। नाइट क्रीम यूज करने से क्या होगा, रात में ये करने से क्या होगा कि रात में स्किन को बिल्कुल क्लीन, जब आप ऐसा करेंगे तभी आप फील करेंगे बहुत लाइट लाइट आपका फेस फील होगा। और जब भी क्रीम की एप्लीकेशन करें तो बहुत माइल्ड हाथों से अपवर्ड मूवमेंट में फिंगर से करें, ये पाम को यूज नहीं करें, फिंगर से ही अप्लाई करें बहुत अपवर्ड मूवमेंट में ऐसे। और नेक पर भी अप्लाई करना बिल्कुल न भूले क्योंकि यहाँ भी आपके रिंकल्स आते हैं, तो ये सब पे अप्लाई करें। तो रात में स्किन रिपेयर का काम करता है, रिलैक्स होते हैं हम सोते हुए और स्किन भी हमारा रिलैक्स करता है, साथ ही हमारे स्किन को रिपेयर करने का काम रात को होता है। डेड सेल को भी बाहर निकालते हैं वो। तो अब डेड सेल की बात है तो यहाँ मैं बताऊंगी कि अब वीकली केयर कैसे करें। डेड सेल अगर आपकी स्किन पे है तो आपको वीकली डेड सेल है या क्या होते ही है, सबकी स्किन पे आ जाते हैं। वीकली केयर करने से आपकी, तो आपको क्या करना है कि कोई भी अच्छा सा स्क्रब जो अच्छा हो, जैसे कि जिसमें जिसके ग्रेन्यूल्स माइल्ड हो, राउंड सर्कल में हो, क्रीम बेस आपको स्क्रब यूज करना चाहिए। और स्क्रब भी यूज करें तो फेस पे पानी होना चाहिए जिससे कि आपके आपके हाथ अच्छे से मूव कर पाए। 3 से 4 मिनट तक आप स्क्रब करें फेस वॉश करने के बाद, और उसको माइल्ड हाथों से बिल्कुल फिंगर से करें क्योंकि पाम हार्ड होता है और ये फिंगर से लाइट एप्लीकेशन होता है। तो इसी से राउंड राउंड सर्कुलेशन में करें और जब भी ये स्क्रब करें आई एरिया और लिप का एरिया ये अवॉइड करें। और उसके बाद अगर स्क्रब आप मार्केट से नहीं ले रहे तो एक और यहाँ मैं टिप आपको दूंगी, घर में आप बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच कॉफी, 1 चम्मच शुगर, उसमें एलोवेरा जेल डालिए और उसमें थोड़े से एसेंशियल ऑयल डालिए या कोकोनट ऑयल डालिए, उसको मिक्स कीजिए। मिक्स करके तब आप हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करें, लेकिन उससे स्किन के डैमेज होने का खतरा है क्योंकि जो शुगर आप डाल रहे हैं वो राउंड नहीं है, तो अवॉइड करें इससे। वैसे मार्केट से लें या हमारे पास, जैसे मैं ओरिफ्लेम में हूँ तो हमारे पास है, बहुत ही अच्छे स्क्रब है और नेचुरल ऑर्गेनिक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके ग्रेन्यूल्स बहुत राउंड होते हैं और सारे जो भी इसके माइक्रोबीट्स हैं वो बहुत नेचर से लिए हुए हैं, कोई भी आर्टिफिशियल प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स इसमें नहीं डले हुए। प्लास्टिक बीड्स के ज्यादातर होते हैं लेकिन हमारे ओरिफ्लेम में नहीं डला होता है। इसके साथ ही आपको मास्क लगाना जरूरी होता है वीक में 2 बार, तो हमारे पास भी मास्क है, बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मास्क है, आप उस मास्क को यूज कर सकते हैं और उसको 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपको फेस पे लगा के रखना है, उसके बाद आपको वॉश ऑफ कर लेना है। और अगर नेचुरल आप घर की चीज़ें लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं भी कुछ करती हूँ, तो मैं स्कूल कॉलेज टाइम से भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। हनी मेरा फेवरेट है, मुझे हनी बहुत पसंद है स्किन के लिए स्पेशली, क्योंकि मेरी स्किन बहुत अच्छी दिखती है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी स्किन ऑयली है तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा हनी लिया, थोड़ा सा जैसे 1 चम्मच हनी ले लिया, 1 चम्मच ओट्स ले लिया, ओट्स पाउडर, और उसके साथ उसमें मैंने समर में खीरे का रस डाला और अगर विंटर है तो उसमें संतरे का रस डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई किया और 10-15 मिनट्स के बाद उसको सिंपल पानी से वॉश कर लिया। उसके बाद हमारी आपकी देखेंगे आपकी स्किन बहुत अच्छी सॉफ्ट और बहुत अच्छी दिख रही है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मिल्क के साथ एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, हनी, इन सबको मिक्स करके आप पैक लगा सकते हैं। तो ऐसे वीकली आप पैक लगाएं, वीक में 2 बार जरूर लगाएं, 1 बार मार्केट से लिया हुआ या फिर हमारे ओरिफ्लेम से लिया हुआ, और 1 आप खुद घर में बना के लगा सकते हैं।
यहाँ पे आपको एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं जाना है, अचानक से प्रोग्राम बन गया, सडनली कहीं जाने का प्रोग्राम बना और आपकी स्किन टाइट दिख रही है, आपके स्किन पे बहुत सारे पैचेस और बुझी बुझी सी स्किन दिख रही है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, खीरे की पतली पतली स्लाइसें कर लेनी है और उसको किसी भी बॉल में पानी में रख के आपको फ्रिज में रख देना है, पानी में या मिल्क में किसी चीज़ में रख सकते हैं और फ्रिज में रखिए। सुबह में जैसे मुझे मिल्क सूट नहीं करता इसलिए मैं मिल्क यूज़ नहीं करती, अगर आपको सूट करेगा तो आप ज़रूर मिल्क में डाल के करें, नहीं तो पानी में डाल के या रोज़ वाटर में डाल के आप उसको फ्रिज में रख दें और कुछ देर के बाद जब वो बिल्कुल चिल्ड हो जाता है तो आप अपने फेस पे अप्लाई, फेस पे उसको सारे स्लाइसेस को रखें, आई एरिया सब पे रखें और 5-10 मिनट के लिए रखने के बाद आप उसको हटाएंगे तो बिल्कुल फ्रेश दिखेगा और उसके बाद आप मेकअप कर भी जा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी सारी एक्सटर्नल और इंटरनल चीज़ें जिनके केयर करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बन जाएगी। तो अगर आपको आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अगर कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।